नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मंडलोई। आज का हमारा टॉपिक है क्लास टेंथ एमपी बोर्ड वर्कबुक पेज नंबर 81। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है और इससे संबंधित फाइनल एग्जाम में, टेंथ की फाइनल एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बहुत से क्वेश्चन और बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। गांधी जी ट्रेवल्ड ए लॉट। गांधी जी बहुत यात्रा करते थे। गांधी जी के बारे में सभी जानते हैं, फादर ऑफ नेशन। ही ऑलवेज ट्रेवल्ड थर्ड क्लास इन ट्रेन्स। वह हमेशा ट्रेन का जो तीसरी श्रेणी मतलब थर्ड क्लास का जो डिब्बा रहता है उसमें ही यात्रा करते थे। ही डिड सो बिकॉज ऑल पुअर पीपल इन इंडिया ट्रेवल्ड थर्ड। वह ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि भारत के लगभग सभी जो गरीब व्यक्ति हैं वह थर्ड क्लास या तीसरी श्रेणी के डिब्बे में ही यात्रा करते थे। इन दोज डेज देयर वर थ्री क्लासेस इन ट्रेन्स। उन दिनों में ट्रेन में सिर्फ जो डिब्बे हैं उनकी तीन ही श्रेणियां हुआ करती थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। वंस गांधी जी गोट ऑफ बॉम्बे। ऑफ का अर्थ होता है से दूर होना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मुंबई। फ्रॉम ए थर्ड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट। एक बार गांधी जी मुंबई से जा रहे थे फ्रॉम ए थर्ड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट। और जो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट है मीन्स तीसरी श्रेणी का जो डिब्बा है उसमें वो थे। लॉट्स ऑफ पीपल हैड कम टू मीट हिम। और स्टेशन पर जब वो रुके तो उनसे मिलने के लिए बहुत सारे व्यक्ति आए थे। अमंग देम वर सम अमेरिकन मैन एंड वुमेन। उनमें बहुत सारे अमेरिका के पुरुष और महिलाएं भी थी। दे वेंट इन टू गांधी जी कंपार्टमेंट। और वह गांधी जी से मिलने के लिए उनके कंपार्टमेंट या उनके डिब्बे में गए। दे सा दैट इट वॉज वेरी स्मॉल। उन्होंने देखा कि यह जो डिब्बा है यह काफी छोटा है जिसमें गांधी जी बैठे हुए हैं। वाई डजेंट ही ट्रेवल फर्स्ट, आस्क्ड वन ऑफ द लेडीज। उनमें से एक महिला ने पूछा कि वह फर्स्ट क्लास डिब्बे में यात्रा क्यों नहीं करते हैं। आई डोंट नो, लेट्स गो एंड आस्क हिम, रिप्लाई वन ऑफ जेंटलमैन। उनमें से किसी एक फिर जेंटलमैन सभ्य पुरुष ने उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता, चलो उनसे ही चलकर पूछते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने प्रश्न किया उनसे, मिस्टर गांधी वी हैव, देखिए यहां पर वी मतलब डब्ल्यू ई वी ई दिया हुआ है और एपोस्ट्रोफी है तो ये कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म है वी हैव की, तो इसको हम वी हैव पढ़ेंगे। मिस्टर गांधी वी हैव कम टू आस्क यू ए क्वेश्चन। श्रीमान गांधी हम आपसे एक प्रश्न करने आए हैं। द जेंटलमैन सेड टू गांधी। गांधी जी से उस सभ्य पुरुष ने ऐसा कहा, यू आर द लीडर ऑफ द इंडियन पीपल। तुम भारत की जनता के लीडर हो, नेता हो, बट यू ट्रेवल थर्ड। इसके बावजूद भी तुम तीसरी श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करते हो। प्लीज टेल अस व्हाई यू ट्रेवल थर्ड। कृपया करके हमें बताइए कि तुम तीसरी श्रेणी के डिब्बे में क्यों सफर करते हो। गांधी जी लाफ्ड एंड सेड। गांधी जी हंसे और उन्होंने कहा, द आंसर इज वेरी सिंपल। उत्तर बहुत ही सरल है। आई ट्रेवल थर्ड, मैं तीसरे डिब्बे में यात्रा करता हूँ, बिकॉज देयर इज नो फोर्थ, क्योंकि इसमें चौथी क्लास है ही नहीं, वरना यदि चौथी होती तो मैं उसमें फिर सफर करता। ही लाफ्ड अगेन। वह फिर से हंसे एंड द अमेरिकन लेडीज एंड जेंटलमैन लाफ्ड विथ हिम। और अमेरिका की महिला और जो सभी पुरुष था वह भी उनके साथ में हंसे। तो आज का है हमारा पैराग्राफ, हमने हिंदी एक्सप्लेन किया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। तो जब भी हम पैराग्राफ या कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग की बात करते हैं तो उसमें जो नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं उन क्वेश्चन का अर्थ हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले आंसर की बजाय हमें पता क्या होना चाहिए, क्वेश्चन का अर्थ, क्योंकि क्वेश्चन का अर्थ यदि हमें समझ में आ जाता है तो उसका आंसर हम बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी ट्रेवल थर्ड क्लास। इसका अर्थ यह हो रहा है कि गांधी जी तीसरी श्रेणी के डिब्बे में सफर क्यों करते थे। ठीक है, तो इसमें आप देखिए शुरुआत में ही है पैराग्राफ की दूसरी लाइन में, बिकॉज ऑल पीपल इन इंडिया ट्रेवल थर्ड, क्योंकि भारतवर्ष के सभी लगभग सभी गरीब व्यक्ति तीसरी श्रेणी में सफर करते थे, इसलिए गांधी जी भी तीसरे में ही सफर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु केम टू मीट गांधी एट मुंबई रेलवे स्टेशन।
मुंबई रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी से मिलने कौन आए थे? तो मुंबई रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी से बहुत सारे लोग मिलने आए थे। देखिए, लॉट्स ऑफ पीपल हैड कम टू मीट हिम, उनसे मिलने के लिए बहुत सारे व्यक्ति आए थे। आप इसको या तो ये भी लगा सकते हैं या फिर ये भी लगा सकते हैं कि सम अमेरिकन मैन एंड वुमेन, दोनों में से कोई सा भी उत्तर लिख दोगे एग्जाम में तो आपको नंबर मिलेगा। तीसरा है, व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ अमेरिकन वुमेन, उस अमेरिकन महिला ने कौन सा प्रश्न किया था? तो उसका प्रश्न था कि ये तीसरी मतलब फर्स्ट क्लास में सफर क्यों नहीं करते हैं? तो यहां पर आंसर रहेगा, व्हाई डजेंट ही ट्रेवल फर्स्ट, या तो डायरेक्ट ऐसा लिख दो या क्वेश्चन से हम आंसर बनाते हैं उस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे द क्वेश्चन ऑफ द अमेरिकन वुमेन और फिर उसके आगे हम लिख देंगे व्हाई डजेंट ही ट्रेवल्ड फर्स्ट इन्वर्टेड कामा में। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द आंसर ऑफ गांधी जी टू अमेरिकन जेंटलमैन, जब उस अमेरिकन सभ्य पुरुष ने जेंटलमैन ने गांधी जी से ये प्रश्न किया था तो गांधी जी ने क्या उत्तर दिया? तो गांधी जी ने उत्तर दिया था, द आंसर इज वेरी सिंपल, आई ट्रेवल थर्ड बिकॉज देयर इज नो फोर्थ। उत्तर बहुत ही सरल है, मैं तीसरे में इसलिए सफर करता हूं क्योंकि इस ट्रेन में चौथा फोर्थ है ही नहीं। ओके, तो आज का ये हमारा पैराग्राफ था और ये आप सभी जानते हैं कि हम 10th क्लास की वर्कबुक को कवर कर रहे हैं, डेली आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। व्यस्तता और तबीयत खराब होने और बहुत सारी समस्याओं के बावजूद भी आपके लिए हम वीडियो तैयार कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल रिलेटिव्स के पास शेयर कीजिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।